बेहतरीन सा हमारा जो हल्दी वाली चाय कह सकते हो या कावा तैयार है, और अगर आपको पसंद आए तो आप बताइएगा कि कैसी लगी। तो इसको तैयार करते हैं, जो कि सर्दियों के लिए बेहद मज़ेदार भी और बहुत फ़ायदेमंद, जिससे दवाइयों से तो आपकी कम से कम जान छूट जाएगी। तो इसको बनाने के लिए तैयार करते हैं, मेरे साथ रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मौसम देखिए कैसा चल रहा है आज का, बड़ा ही ख़राब, गले वगैरह बहुत खांसी नज़ला हर किसी को ये चल रहा है। तो इसके लिए बेहतरीन सा हम एक कावा बनाएंगे, जिसमें डालेंगे थोड़ी सी ये अदरक के, ये एक इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने कटिंग कर लिया था, दो अदद इलायची है, दो कप पानी का मैं ये बता रही हूँ, जिसे पका पका के एक कप रह जाएगा, और ये थोड़ा सा गुड़ है, गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, नज़ले पूरा गला खुल जाता है और नज़ले खांसी में बेहतरीन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। और ये बड़ी इलायची, तीन अदर लौंगे, चार से छः हम जो है ये काली मिर्च साबित वाली, और दो अदर दालचीनी छोटा टुकड़ा था इसलिए बारीक वाले, तो मैंने दो अदर ले लिए, और थोड़ी सी ग्रीन टी है, ये सर के बाज़ार में मिल जाती है, और आधी चम्मच आधी टी स्पून जो है हल्दी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को दो कप पानी में मैं डाल देती हूँ, ये दो कप पानी है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मैं एक साथ डाल दूँगी, और ये भी बेहतरीन से हमारा पकेगा और कावा तैयार हो जाएगा। इसको इतना पकाना है कि ये दो से एक कप पानी रह जाए। तो ये बेहतरीन हमारे जो गले में खराश आजकल चल रही है, वायरस फैला हुआ है और सबके ही गलों में सोजिश हो रही है और दर्द हो रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, आप लोग ज़रूर बनाएं और सबको पिलाएं, अपने घर में खुद भी पिएं। तो ये मैं अभी से नॉर्मल आंच करती हूँ, ऐसे पकाने के लिए रख देते हैं, और इसको पकाते हैं और अच्छे से, ताकि ये एक कप रह जाए, तो फिर इसको निकालते हैं कप में। ये दो कप को एक कप करने का इसलिए वो कहा जाता है कि जितने भी जो स्पाइसेस हमें इसमें डालें तो वो तमाम के तमाम जो हैं इसमें इसका अर्क निकल आए, अदरक का और मसालों का, ताकि वो हमें गले में हमारे फ़ायदा दें। तो ये आप देख रहे हो, थोड़ी सी अगर आपको इस पर कड़वाहट लगे तो कोई मसला नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आजकल आप मौसम देख रहे हो कितना डस्ट उड़ रही है और गले में कितना दर्द चल रहा है हमारे, और अब ये बस ये हो जाएगा, अभी हम इसे निकालेंगे। इसमें चाहें तो मज़ीद आप इसमें थोड़ा सा लीमू ऐड कर सकते हैं या इसमें शहद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। काफ़ी कम पानी रह गया, अब इसको निकालते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा जो ज़बरदस्त सा कावा है ये तैयार हो गया है, हल्दी वाला, और आप इसको पिए और ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, अपने घर वालों को भी बना के दें। साथ ही मैंने अदरक का टुकड़ा रख दिया है, अगर आपको ज़रूरत थोड़ी सी अगर फिर भी आपको कड़वाहट लगे तो आप इस पर शहद मिला सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त था हमारे पास से, और ये हाफ टी स्पून मिला रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप और मिला लीजिएगा, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, ऊपर से काली मिर्च थोड़ी सी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा उससे टेस्ट अच्छा भी हो जाता है और फ़ायदेमंद भी। तो ये हमारे आज के कावा तैयार है, और आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैं हल्का सा इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ये बेहतरीन हमारी सर्दियों के लिए हल्दी वाला कावा तैयार हो गया है, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।